मेरे घर के ऊपर ही बादल आते हैं क्या? उधर देख, मतलब अंधेरे में दिख भी रहूंगा, मुझे नहीं लगता। चलो नीचे उनको, और मम्मी निकाल रही हैं पानी, पता नहीं क्यों, किस बात के लिए बाल्टी में से पानी निकाल रही हैं। अरे बहुत ज़्यादा भर गया, सड़ जाएगा ना हमा। जरा मैं ऊपर तो गाइस देख रहे हो मम्मी का उल्टा सीधा काम, वो बात पता है, ऐसे पानी लगा रहा। तो चलो इसको छेद करने कुछ सामान देखते हैं भाई, स्क्रू ड्राइवर वगैरह मारेंगे तभी जाके वो होगा। बिना स्क्रू ड्राइवर के तो मिट्टी सड़ जाएगी। देखो ये रहा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, देसी नैप ब्लॉगिंग। कैसे हो भाई साहब आप लोग? और सीन कुछ ऐसा है कि अचानक से रात को शूट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि तो बोलते हैं नींद नहीं आ रही थी सर्दी की वजह से, नाक बंद है और नींद आ नहीं रही है बिल्कुल, दिमाग खराब हो रखा हुआ है। मम्मी सो गई होंगी तो उनको भी उठा के ला नहीं सकता बात करने के लिए, वो सब सो रहे होंगे। शेरू का तो कुछ आता पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है, कमाल का बंदा है वो, जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो नहीं दिखेगा। और ये देखिए रात में पूरा अच्छा खासा बादल छाया हुआ है, कसम से बता रहे हैं, देख रहे हैं पूरा एकदम आसमान में एक तारा नहीं है, ये हाल है। रात में यार अच्छा लगता है ये नज़ारा, बताइए ये पौधों का नज़ारा, माय गॉड बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये, है ना। और अभी तो भाई फटाफट इसका काम हो जाए, क्या काम हो जाए, कुछ काम नहीं हो, बस बिल्कुल नींद आ जाए। नाक बंद है, नाक बंद रहता दिमाग ख़राब हो जाता, इतना दिमाग का दही हो जाता है, ऐसा हाल हो जाता है। तो बाहर बहुत ही ठंड है, एक्चुअली मैं बाहर सोता बट सीन क्या ना यार, बाहर सोने का कोई मतलब नहीं होता, साला रात में अचानक बारिश आ जाएगा तो भाई अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार। वो देखो इधर मेरे घर के ऊपर ही बादल आते हैं क्या? उधर देखो आसमान साफ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यार, उधर देख रहे हो बहुत ही प्यारा। और इधर देखो अजीब सा है, रुको जरा देखते हैं ऊपर जाके कैसा है, पता चलेगा यहाँ से एक्चुअली क्या हाल चाल। अरे भाई हद हो गया है यार, ये सब क्या है, कुछ समझ नहीं आया हमको तो। ये देखो उधर आसमान अजीब सा है, इधर पूरा वैसा है, कहाँ है सरकार, क्या बात है, हम पे कुछ एक्स्ट्रा मेहरबान है क्या? अब समझ नहीं आया भाई क्या सीन है, मतलब अंधेरे में दिख भी रहूँगा, मुझे नहीं लगता। चलो नीचे चलते हैं, पता नहीं क्या ही सीन है। तो देखो शेरू बहान को और मम्मी निकाल रही हैं पानी, पता नहीं क्यों, किस बात के लिए बाल्टी में से पानी निकाल रही हैं। अरे बहुत ज़्यादा भर गया, सड़ जाएगा ना हमा। देखो मैं वो करेगी पड़ी, हाँ हाँ। तो गाइस देख रहे हो मम्मी का उल्टा सीधा काम, वो बाल्टी में पानी भरा हुआ है हाँ, और उसमें से दूसरे पौधों में पानी डाल रही हूँ, ये नहीं कि उसमें छेद कर दो मिट्टी सड़ जाएगा, वैसे पता है ऐसे पानी लगा रहा। तो चलो इसको छेद करने कुछ सामान देखते हैं भाई, स्क्रू ड्राइवर वगैरह मारेंगे तभी जाके वो होगा। बिना स्क्रू ड्राइवर के तो नहीं होगा, नहीं तो मिट्टी सड़ जाएगी तो कोई फायदा नहीं है ना। देख देखो ये रहा, इससे काम बन जाएगा मेरा, चला जाए फटाफट। इसको हमें ही चोट लग जाएगा, बेटर है कि इसको निकाल। हाँ इतने से काम हो जाएगा, धीरे धीरे करके निकल जाएगा पानी। हाँ हो जाएगा इतने से काम, पानी निकल रहा है धीरे धीरे निकल जाएगा। तो चलिए फटाफट ये स्क्रू ड्राइवर रख देते हैं, बेचारा एक बाल्टी का मौत हो गया इसके। चला जाओ फटाफट नीचे। तो फाइनली गाइस मैं बनाने जा रहा हूँ एग, ओट्स और बेसन का चिला, ये फुल हेल्दी होगा क्योंकि पता ही है आपको
चने जिसमें हो वो बहुत ही सही बनते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो अभी हम लोग फटाफट ऑयल डालते हैं उसमें, पैन में, उसमें नहीं पैन में। मैं ऑलवेज सरसों यूज़ करता हूँ, मुझे लगता है सरसों ज़्यादा हेल्दी है रिफाइंड से, पता नहीं ऐसा क्यों मुझे ही लगता है, सबको लगता है। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, अभी फटाफट इसको पैन में ऑयल को घुमा लिया, थोड़ा कम कर दो आँच, और अभी चालू करते हैं बनाना। सकते हो मैंने पैन में इसको पूरी तरह से फैला दिया यार, अब इसको घुमाने में हालत ख़राब हो जाएगी मेरी, इतना तो कन्फर्म है कि काफ़ी वेटेड है। पकने देते हैं थोड़ा आराम आराम से, है ना, उसके बाद इसको पलटने की कोशिश करेंगे, देखते हैं पलट पाते हैं कि ना ही, थोड़ा डिम कर देते हैं आँच को। फाइनली गाइज मैंने बना दिया है, आप देख सकते हो, परफेक्ट मील फॉर मी भाई, मज़ा आ जाएगा अभी इसको खा के। बस फर्क इतना है कि मेरे पास चटनी वटनी नहीं है, और चटनी वटनी क्या ही खाएंगे ना, डायरेक्टली ही खा पाता है इसका। तो चलो खाना स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़े दिन बाद। तो फाइनली गाइस शेर को लेकर आ गए बाहर, देख सकते हो इसकी नाटक नाटक की। एक्चुअली मैं इसको बाहर अभी थोड़ा लेट लेकर आता, लेकिन बारिश का कोई भरोसा नहीं है कब स्टार्ट हो जाए, और बारिश स्टार्ट होने से पहले मैं सोच रहा था कि इसको लेकर आ जाऊँ कि टेंशन फ्री हो सके हम लोग। तो भाई ये देखो बनने का काम क्या तरीके से बना रहे हैं यार ये लोग भी, देख रहे हो, सही है, लगता है इस बार पूरा बाउंड्री ख़त्म हो जाएगा, अब इधर से कुछ नहीं दिखेगा अंदर की ओर। अच्छा है आर्मी लोग के पास बहुत पैसे हैं, बनवा सकते हैं अच्छे अच्छे, है ना। फटाफट चलते हैं, फटाफट अपना काम निपटा ले ताकि हम भी टेंशन फ्री हो जाए कि अगर बारिश हो भी तो इसको प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या करता ना बारिश में भाई, क्या हॉर्न हॉर्न बारिश में ज़रा सा भी नहीं निकलता, इतना नौटंकी बाजे ये, पानी पड़ जाए तो ये हिल नहीं सकता, ये बंदा कहीं नहीं जाएगा कितना भी जोर से लगाओ। तो अभी देखेंगे ये गाय से डरता है कि नहीं, अभी भी डर के भागता है फट से, देखना खिंचा, देखो डर के भागता है ये गाय से, अभी भी इसकी आदत बदली नहीं है भाई। चलो घर पहुंच के उसके बाद बात करेंगे आप। तो फाइनली गाइस शेर को लेकर आ गए बाहर, देख सकते हो इसकी नाटक नौटंकी। एक्चुअली मैं इसको बाहर अभी थोड़ा लेट लेकर आता, लेकिन बारिश का कोई भरोसा नहीं है कब स्टार्ट हो जाए, और बारिश स्टार्ट होने से पहले मैं सोच रहा था कि इसको लेकर आ जाऊँ कि टेंशन फ्री हो सके हम लोग। तो भाई ये देखो बनने का काम क्या तरीके से बना रहे हैं यार ये लोग भी, देख रहे हो, सही है, लगता है इस बार पूरा बाउंड्री ख़त्म हो जाएगा, अब इधर से कुछ नहीं दिखेगा अंदर की ओर। अच्छा है आर्मी लोग के पास बहुत पैसे हैं, बनवा सकते हो अच्छे अच्छे, है ना। फटाफट चलते हैं, फटाफट अपना काम निपटा ले ताकि हम भी टेंशन फ्री हो जाए कि अगर बारिश हो भी तो इसको प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या करता ना बारिश में भाई, क्या हॉर्न हॉर्न बारिश में ज़रा सा भी नहीं निकलता, इतना नौटंकी बाजे ये, पानी पड़ जाए तो ये हिल नहीं सकता, ये बंदा कहीं नहीं जाएगा कितना भी जोर से लगाओ। तो अभी देखेंगे ये गाय से डरता है कि नहीं, अभी भी डर के भागता है फट से, देखना खिंचा, देखो डर के भागता है ये गाय से, अभी भी इसकी आदत बदली नहीं है भाई। चलो घर पहुंच के उसके बाद बात करेंगे आप। सो गाइस ये देखो आज थोड़ा इसको तेल पानी देते हैं, क्लीन वगैरह हो गया अच्छे से, और अभी इसको थोड़ा तेल पानी देते हैं अच्छे से। तो फाइनली गाइस मेरा खाना पीना सब हो गया है, डिनर कंप्लीट हो चुका है, अब करते हैं ब्लॉग को, पेंसिल टू लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल का नाम है देसी ना ब्लॉगिंग, बाय बाय, सी यू टाटा, गुड नाइट।